क्वेश्चन है, 700 रुपए को ए बी सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3, बी और सी की राशि का अनुपात 4:5 है। तो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी स्नातक स्तरीय टायर 1 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले हम ए रेशियो बी की वैल्यू लिखेंगे। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है? 2:3, राइट। अब नीचे हम लिखेंगे बी और सी की राशि का अनुपात कितना है? 4:5, राइट। अब जो खाली जगह बची है उसे यहाँ पर हमने रेशियो लगा लिया। अब खाली जगह बची है यहाँ पर, उसके पास वाली डिजिट लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके पास वाली डिजिट जो खाली है यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, राइट। अब कह रहा है वो ए बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 8:12:15। तो इसका योग क्या आ जाएगा? योग क्या हो जाएगा? 8 + 12 + 15, ये हो जाएगा 10 और 10 = 20, 25 = 27, तो ये हो जाएगा 35, राइट। अब निकालेंगे हम ए का भाग। तो ए का भाग हम कैसे निकालेंगे? रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है, हमें क्या दिया है? टोटल रुपए दिए हैं 700, तो टोटल की तुलना टोटल से। टोटल हमारा कितना आया है? योग 35। और पूछा हमसे, हम पूछा किससे? ए का भाग। ए का भाग कितना है? 8। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 × 2 = 70, यानी कि ए का भाग क्या हो गया? 8 × 0 = 8 × 2 = 16। तो ए का भाग आ गया हमारा 160। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ 160 आ रहा है। 160 डी में आ रहा है, लेकिन हम बी और सी का भाग भी हम निकाल के दिखा देते हैं। बी का भाग ऐसे ही सेम बी का भाग निकलेगा। टोटल कितना दिया है? 700। टोटल की तुलना टोटल से। टोटल कितना आया है? 35। और बी का भाग हमारा कितना है? 12। तो 12 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 35 × 70 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 × 24, यानी कि बी का भाग हमारा आ जाता है 240। ए का भाग 160, बी का भाग 240। सेम ऐसे ही हम सी का भाग निकालेंगे। सी का भाग वही टोटल की तुलना टोटल से। टोटल कितना आया? 35। सी का भाग कितना है? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 × 70 और 15 × 0 = 15 × 30। तो सी का भाग हमारा कितना आ गया? 300। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।